हेलो, मेघा का फोन देना प्लीज। अंकुश। हेलो 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 अंकुश। हेलो भाई साहब, 100 का छुट्टा देना। अंकुश। अरे धीरज, तू अभी तक क्या है? भाई साहब नहीं है। अरे धंधा कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है? देख तो। तुझे लगता है कि वो तुझे मिलेगी? भाई साहब ये दिल्ली है, यहाँ पे लोग 2 मिनट में गायब हो जाते हैं, और तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। वो यही आई थी, हमें यहाँ मिलना था। और कहाँ जाएगी वो? अबे सारी उम्र ढूंढता रहेगा क्या? एक तो खुला दे रहा हूँ, ऊपर से धमका रहा है। खुला दे रहा है यार, एहसान नहीं कर रहा है। मेरी बात मान, तू वापस लौट जा। क्या हुआ अंकुश? हुआ क्या? कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर उन लोगों ने कहा क्या? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी सांसें रुक गई। मुझसे नाटक करते हो? हाँ मिस्टर एरिया सुपरवाइजर। बस तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेघा, हम दोनों शादी कर लें? फादर पिंटो को तो सब कुछ बता दिया हमने, अब समझो जॉब भी पक्की हो गई। 1 महीने में मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, हमारे घर होगा, तू रहेगी ना मेरे साथ? मैं तुम्हें कुछ दिन बाद बता सकती हूं। तूने मेरी जान ही निकाल के रख दी। तू आज पुलिस की लाठी सही मानेगा? अरे पुलिस क्या, तू मिलिट्री को बुला ले खाला। तू पहली थी जो मेरे और मेघा के बारे में सब समझ गई। उन्हें सब पहले ही देख लिया खाला, तू ग्रेट है। क्या कहेगी खाला? कौन? अरे मेघा। वो क्या है ना, मैंने उसे शादी के लिए पूछ लिया, उसने कहा कि वो बाद में बोलेगी। मैं क्या करूं? हैं? फिलहाल तो तू यहां से निकल। अरे ओ जाने मन, जलन हो रही है कि मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ? अरे अरे बदतमीज, कैसी कैसी बातें करता है तू? खाला देख देख, तू जानती है कि मैं निकम्मों के साथ घूमता फिरता हूँ, तुझसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं जानता। तू मुझे जानती है, समझती है, अंदर कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या कहेगी वो? हाँ कहेगी, और क्या कहेगी? और ना कहा ना तो उल्टा मुंह लगाना उसे। इतना किया तूने उसके लिए, हाँ नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? वैसे भी उसका तो कोई है नहीं यहाँ पे तेरे सिवा। फिर मैं मैरिज ऑफिस जाके नोटिस दे देता हूँ, फिर क्या है? 20,000 की नौकरी, एक घर। 20,000? अरे तेरी कसम खाला, ये टाई, ये शर्ट, ये पैंट, ये सब उसी की वजह से तो है। वो ही मुझे निकालेगी इस गटर से। अगर वो नहीं होती ना
तो मैं तेरे साथ शादी कर लेता हूँ। बदतमीज, तेरी बदतमीज शुरू हो गया है। नवा खून, अमराज, शर्म नहीं आती तुझे? है बदतमीज, कहीं का बदतमीजी करता है मेरे साथ। तुझे तमीज नहीं सिखाई किसी ने? निकल मेरे घर से, ना मुराद ना मकूल। हाँ तमीजी, ओए ओए ओए, ये क्या कर रहा है तू? अरे काम भर गए सबके साथ, देखो उस लौंडे को। अरे रचो रचो, अरे रचो, चिल्लाने दे मोटी को, जब पारा कम हो जाएगा ना दे दियो सीढ़ी। हैं, अब हम 25 तारीख को दिल्ली में ही मिलेंगे। ये बस टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग अलग जाएं। तुम वहां मिलोगे ना? हाँ बाबा, मैं तो वहां पहले ही पहुंचाऊंगा। एक चाय देना अंकुश भैया। हाँ पुलिस आई है। हाँ तुझे पकड़ने के लिए। मेघा दीदी के बारे में पूछताछ कर रही है। अरे हाँ भी, पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। अंकुश, तुम्हारे लड़की के बारे में पुलिस लोग बहुत पूछताछ कर रहे हैं, मैंने तो मना कर दिया। तुमने इसे देखा है? ये 2 महीने पहले यहाँ पे आई थी। अरे साहब, ये लड़की अगर मेरी आंखों के सामने आती तो सब मैं पहचान जाता। घुटन सी हो रही है साली, चैन की तो ऐसा क्यों होता है यार? हाँ यही वक्त मिला था उसको क्या टपकने का? तब कहां था जब सड़क पर खड़ी थी? 2 महीने बाद आया है और मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? हाँ मजाक समझ रखा है मुझे? अरे तो शादी कर लेना, बात अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे 1 महीना फिर भी जाएगा ना, और मैरिज ऑफिस में फिर नोटिस देना पड़ेगा। और ये महाशय 1 महीना चिपका रहा तो फिर उनका मिलना लिखा ही है। हाँ तो मिलने देना उन्हें। क्या बकवास कर रहा है यार? क्यों, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दे। अंकुश, धोखा दिया उसने उस लड़की को, तुम्हें लगता है वो उसकी बातों में आ जाएगी? नहीं। तो फिर डरता क्यों है? और मान लो वो उसके साथ चली भी गई तो इसका मतलब वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। अरे मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ जो लड़की दे दूं और फिर मुस्कुरा के गाना गाऊं।
इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अरे यार कुछ करना पड़ेगा यार, धीरज को दिल्ली से निकलवाना होगा और जल्द ही। ओए फिकर क्यों कर रही है, ओ मैं कर दूंगा तेरा काम, ओए कर दूंगा मैं। धीरज? हाँ राजेश। बताओ मेघा के बारे में क्या जानते हो? तो वो तो गई। क्या? हाँ हाँ जी, तो रेलवे स्टेशन पे देखा था मैंने उसे। कब? यही कुछ 40 दिन पहले, मौसी को छोड़ने गया था तभी। कौन से स्टेशन? पुरानी दिल्ली, यहाँ से जाते हैं सीधा दाहिने हाथ की तरफ, बिल्कुल सामने ही है। मेघा स्टेशन पे क्या कर रही थी? जी अकेली नहीं थी, कोई मर्द था उसके साथ। मर्द? हाँ जी। तुम ये तस्वीर देखो, गौर से देखो, क्या यही थी वो लड़की? हाँ जी यही तो वो लड़की है। और उस दिन ट्रेन में लाइट भी ज़्यादा थी, और मेरी आँखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं सामने 10 मिनट तक बैठी थी, यही लड़की थी, यही थी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। ट्रेन कहाँ की थी? बम्बई की। कौन सी? राजधानी। पुरानी दिल्ली से राजधानी? पर राजधानी तो नई दिल्ली से जाती है ना? हाँ जी वो उस दिन पुरानी दिल्ली से चली गई होगी वो, अब ट्रेन का तो पता है आपको। ओए राजेश। हाँ कौन है तू? हाँ ओ जी क्या है मामला, क्या है, साफ साफ बता। नहीं जी। हाँ मेघा के बारे में क्या जानता है तू? ओ जी मैम। हाँ भाप लिया, रट्टा मार के गया था ना तू? और तुम्हें क्या करता, पुलिस की तरह चीरपार करने लगा हुआ। थकन है तू भी, पिपनी को भेजते ना, दिमाग नाम की चीज है क्या, शक हो गया उसको। कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ। अकेले हो? बात क्या है? म्यूनिसिपल ऑफिस से आ रहा हूं मैं, काम रहता है मेरा वहां पे। आज ऐसे ही पूछ लिया, पुलिस भी गई थी वहां पे, किसी प्यून की लापरवाही की वजह से बात उनकी नजर में नहीं आई। क्या बात है? मेघा जोशी। ये क्या है? पढ़ लो समझ जाओगे। क्या? धीरज ये मेघा जोशी का डेथ सर्टिफिकेट है, उसका नाम लिखा है इसमें,
29 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी मिली थी रेलवे पटरी पर। 5.5 फुट का कद, सब कुछ लिखा है इसमें, सरकारी पेपर है, गलत नहीं होगा। सॉरी, मैं सोचा तुम्हें बताना ठीक होगा। काम हुआ? हाँ। जो गुरु, मान गया तुझे मैं। अरे क्या कर दिया इसने? ओए, अपने अंकुश ने उसकी ऐसे तो हल्के से ली कि उसे जिंदगी पर पता नहीं चलेगा। कुत्ता साला, बड़ा स्मार्ट बन गया था मेरे सामने। बस कर जुल्फो। अरे यो तो बता, करके दिया इसने। अरे वो सब छोड़ ना तू, सलाम ठोक अपने यार को, मैं तो सल्यूट करता हूँ। चेपू साला, पता नहीं कहां से चलाया। अब देखियो, जिंदगी भर देख ची खखोरता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कहां गई वो। चुप कर। अच्छा बहुत हो गया। अरे ठीक है ना, वो हवा बस को थोड़ी ना पता है कि असली मलाई तुम मेरा यार कह रहा है। कब से कह रहा हूं चुप हो जा, फिर भी भगते जा रहे। तुमने सबके सामने मार दिया, मैंने तेरी मदद की यार। कैसी घटिया बातें कर रहा है तू, समझ में नहीं आता कुछ। तू क्या गलत किया मैंने? तारीफ ही तो कर रहा था मैं तेरी। अच्छा सॉरी जुल्फू। धीरज, भाई साहब बहुत देर से खटखटा रहा हूं, वो दरवाजा खोल नहीं रहा है। सो रहा होगा। हाँ लेकिन फिर भी। बंदा कहीं नहीं गया। तो फिर आप आइए ना मेरे साथ। क्या साहब आप भी। 2 मिनट सर प्लीज। ठीक है जी, आइए। थैंक यू। धीरज, चले जाओ यहां से। सुनो जी, ये इसके घर का नंबर है नैनीताल का। फोन करके कह देना कि धीरज यहाँ पे तुम्हारे लॉज में। कह देना कि हाल ठीक नहीं है, इसे जल्दी को यहाँ से आके ले जाए। ठीक है? अब फोन अभी कर लेता हूँ। हाँ प्लीज। और हाँ, इसके खाने का कुछ इंतजाम कर देना। ठीक है? ठीक है, पर हुआ क्या है इसे? इसे बस आप ध्यान रखना, जब तक तो कोई आना जाए फोन जरूर करना। हाँ जी। हाँ
अंकुश देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब लाई हूँ एंड इन वन मंथ यू आर गोइंग टू टॉक लाइक एन एरिया सुपरवाइजर लेट्स बिगिन क्या हुआ कुछ नहीं You're wondering what my answer is to your question. My answer is yes. Megha, wo. Aur agar angrezi nahi seekhoge, to samjhoge kaise? Ankush, pareshan mat ho. Kuch din pehle, tumne mujhse sawal kiya tha na? मेरा जवाब हाँ है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा कल मैरिज ऑफिस जाएंगे हम रजिस्टर करना होगा हाँ मेघा तू खुश है ना मेघा कहाँ है? अपने कमरे में उससे कोई मिलने आया है नैनीताल से मुझे कुछ नहीं सुनना है तो मैंने धीरज अब क्यों आए हो अपने लखनऊ वाली लड़की से खुश नहीं हो क्या तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शादी कर ली मेघा पांच साल में तुमने मुझे इतना ही पहचाना धीरज तुम चले जाओ मेघा तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया यहाँ की सड़कों पर छोड़ दिया मुझे जाना है मैं किसी और से शादी कर रही हूँ अंकुश से हद तब कर दी जब उसने ये देखो देखो जब ये सर्टिफिकेट देखा तो मैं मर गया मेघा मैं तेरे बिन जी नहीं सकता एक बार वो बस मेरे हाथ में आ जाए मैं उसे जान से मार डालूंगा खत्म कर दूंगा बस अंकुश के बारे में और कुछ मत कहना मैं जानती हूं कि उसने ये सब क्यों किया आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो सिर्फ उसी की वजह से अगर वो नहीं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती कहां जाती मैं मेघा तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो ना क्या जादू चलाया उसने तुम पर हा? किसी भी हद तक गिर सकता है वो तुम उसे नहीं जानते हो अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं तुम्हें ही नहीं जानता हूं ठीक है मेघा तुम जो ठीक समझती हो तुम करो पर एक बार सिर्फ एक बार फॉर ऑल टाइम सेक तुम ये सुनना नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या हुआ
मेघा, मैं यही आ रहा था दिल्ली, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। जरा बैग हटाएं। पैसेज में एक बैग पड़ा था, किसी को परेशानी ना हो इसलिए सीट के नीचे कर दिया। पता नहीं किसका बैग था वो। चल, अरे हुआ क्या? हम लेके घूमते हैं, अभी बता दो मुझे। अरे क्या हुआ क्या भाई? मैं एक महीने तक पुलिस के हिरासत में था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो सिर्फ नैनीताल से दिल्ली जा रहा था। सब हम भाग के शादी करने वाले थे, पता नहीं वो किस हालत में होगी। सब दिल्ली में वो किसी को नहीं जानते। सब तो आरडीएस किसकी बारात में फेंकने के लिए ले जा रहा था? सर वो बैग मेरा नहीं था। सब तो फिर किसका था? जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। और मेघा, हर वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा कि तुम किस हालत में होगी, कैसी होगी। यही डर मुझे खाया जा रहा था। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैं दिल्ली चला आया तुम्हें ढूंढने। पिछले 10 दिन से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? अंकुश आया था। मेघा, मुझसे गलती हो गई। मेघा, ये सब सोच समझ के मैंने नहीं किया। धीरज को झूठ बोला, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको। अंकुश, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। मुझे सहारा दिया, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इन 2 महीनों में सिर्फ तुम मेरे साथ थे, हर कदम पर, हर मुश्किल में। अगर तुम नहीं होते
आज हम उसी जगह पे हैं जहां हम पहली बार मिले थे। फर्क बस इतना है कि अब धीरज आ गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं और वो हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहा। अंकुश कमाल कर दिया तूने, खुद सवाल करती है और खुद जवाब देती है। कहां से कहां आ गया हूं मैं। 2 महीने पहले मैं क्या था, यहीं एक मामूली सा गवाह, और अब बहुत बदल दिया तूने, बहुत सीखा है तुझसे मैंने। तुझे डर है ना मैं टूट जाऊंगा, देवदास बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और मुझे तेरा एहसान भी नहीं चाहिए, इसीलिए तूने हाँ कहा था ना। मैंने जो भी किया वो एहसान समझ के नहीं किया, गलती मेरी है, तेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। दोस्त बस वही लगता हूं ना मैं तुझे। तुझे पता है कि तुझे क्या करना है अंकुश। प्यार करती है मुझे हाँ करती है तो भूल। ओए मेरे हीरो चाय लाना, चाय ना छोटे नवाब। टेढ़ा हो गया यार। मैं भी टेढ़ा हो गया था। ए पिपनी माफ कर देना हाँ। इनके विटनेसेस कहाँ हैं? उनको बुलवाइए। मुबारक हो, हैप्पी मैरिड लाइफ। अंकुश थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी,
थैंक यू वेरी मच। 200 रुपए। थैंक यू।